हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल रहा एजुकेशन में। तो मित्रों 69,000 बच्ची सुनवाई विशेष में बहुत 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 मज़ेदार सुनवाई हो रही है। तो आज मतलब दिल मेरा बाग बाग हो चुका है आज की सुनवाई से। और जो जज महोदय आज दोनों कार्य कर रहे हैं वो निसंदेह न्यायपालिका, मेरी नज़र में व्यक्तिगत मैं कहूँ तो मेरा सिर उठ जाता है ऐसी न्यायपालिकाओं के, ऐसे जजों के वजह से शिक्षा विभाग हमेशा आगे रहेगा और ऐसे जज होने चाहिए। हालांकि फैसला जल्द से जल्द रिजर्व करके योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्तियां दे दे तो वहां तक ज़्यादा गंभीर मुद्दा ये हो सकता है। और सबकी नज़र में न्यायपालिका पुनः कह सकते हैं नज़र में उच्च, लेकिन फिर भी रहेगा। आगे बात करूँ तो बात है कि इरशाद अली साहब तो लगातार हैं, काउंटर क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन लगातार कर रहे हैं। बीच बीच में ये कई बातें हो रही है बीएड को लेकर, है ना, बीएड को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा उठाया गया है। डीटैक होने के बाद भी इतना उठाया जा रहा है, मेरी बात यही नहीं समझाने कि बीएड को लेकर ये पता नहीं क्या करने वाले हैं। बीएड तो हटेगा नहीं, निसंदेह किसी के मन में 1% भी संशय नहीं आना चाहिए। मैं बार बार आपको हर जगह पोस्ट मिलेंगी, हर जगह ऑडियो आर्टिकल्स मिलेंगे, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन बीएड के अभ्यर्थी जितने भी है एक एक व्यक्तियों से, एक एक बहनों से, एक एक भाइयों से मेरा निवेदन है कि परेशान कोई मत होइएगा। ये बस बात है चढ़ा चढ़ा कर बोलने की, बात बस बात रह जाती है बस, क्योंकि मुंह से निकालना बहुत आसान होता है लेकिन उसको वैलिडेट करना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है ना। तो बार बार बीएड इनवैलिड बोलते तो इरशाद सर ने खुद ही पूछ लिया, अच्छा उपेंद्र सर ये बताइए इज दिस योर सबमिशन, क्या ये आपका सबमिशन है कि बीएड वैलिड नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए। तो फिर अभी ये देखिए डायरेक्टली पूछने पर तो उनकी तरफ से बस नो नो नो, ये मेरा मतलब नहीं है, बस यही कहना है इनको। लेकिन रोना है इनको कि बीएड इनवैलिड है जब पूछा जाए सीधे सीधे तौर पर, तो कुछ बोलना ही नहीं है इनको, ये इनका रवैया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद उपेंद्र नाथ मिश्री जी बोल कह रहे हैं बीएड के लिए कि बीएड को इस भर्ती में अप्लाई नहीं करना चाहिए, उनको असिस्टेंट टीचर के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए, उनको एज ए ट्रेनी टीचर अप्लाई करना चाहिए, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, इनकी कहने की बात है ना। तो बीएड को बार बार ये कह रहे थे कि बीएड इनवैलिड है और सरकार ने कई संशोधन कर डाले हैं भर्ती परीक्षा के बाद, तीन संशोधन लगातार कर डाले हैं। और फिर वहीं ब्रिज कोर्स के बारे में जब बात की तो इरशाद अली सर ने स्पष्ट कहा कि जो ब्रिज कोर्स है 6 महीने का, वो नियुक्ति के बाद 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराया जाएगा, वो मेंशन है, वो हम सभी के संज्ञान में है, तो ऐसा कुछ आप नया नहीं बोल रहे हैं अभी तक। तो फिलहाल अभी तक के लिए अपडेट में इतना ही। और आज की सुनवाई कहने की बहुत लंबी हुई है, जितना एक्सपेक्टेशन हमने की थी कि 3:15 बजे तो लगभग 3:30 से शुरू होगा, आधा घंटा फिर सुनवाई होगी, लेकिन आज की सुनवाई बहुत बेहतरीन हुई है। तो आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, ऐसे एकजुट रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए, प्यार बांटते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।